दो स्थानों पर दुष्कर्म की वारदातें हो गई। कपिल नगर थाना अंतर्गत नाना ने पोती से, जबकि जरीपटका में युवक ने बालिका से दुष्कर्म किया। शर्मसार करने वाली इन घटनाओं में संबंधित थानों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पीड़ित 13 वर्षीय बालिका है, वह कक्षा 7वीं में अध्ययनरत है। उसके पिता निजी काम करते माँ गृहिणी है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से कुछ माह पहले बालिका की माँ प्रसूति के लिए परिवार के साथ मायके आई हुई है। 13 अप्रैल 2022 की रात माँ को अस्पताल ले जाने के बाद घर में बालिका और उसका नाना आरोपी मानिक चंद ही था। मानिक चंद 2 वर्ष पूर्व रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ है। मौका पाकर नाना ने रात में मासूम पोती से दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को कुछ बताने पर माता पिता सहित सभी को घर से बाहर निकालने की धमकी दी। डरी सहमी बालिका ने चुप्पी साध ली। पश्चात नाना ने बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म किया। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद बालिका की मां घर आई। घटना की रात बालिका की मां अपने कमरे में सोई हुई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी अपने अपने कमरे में थे। हॉल में मानिक चंद और बालिका सोए हुए थे। रात में नींद खुलने पर बालिका की मां अचानक हॉल में आई तो पिता को पुत्री के साथ निवस्त्र अवस्था में देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला थाने पहुंचा। कपिल नगर थाने में प्रकरण दर्ज कर आरोपी मानिक चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को मानिक चंद अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गेल्या 2 वर्षापासून फिर्यादी तिचे पती, तिची मुलगी व इतर 2 मुले फिर्यादी तिच्या वडिलांकडे राहिला आहे। ज्यावेळेस घटना घडली गेल्या वर्षी, तर ज्यातील फिर्यादी आहे त्या डिलिव्हरीसाठी दवाखान्यात ॲडमिट असताना त्यांची लहान मुलगी एकटीच घरी असताना फिर्यादीचे वडील म्हणजे मुलीचे नाना यांनी मुलीवर अतिप्रसंग केला होता। त्यावेळेस त्यांनी तिला, तिने जर ही गोष्ट तिच्या आईवडिलांना सांगितली तर तिच्या आईवडिलांना घरातून हाकलून देऊ अशी धमकी देऊन ही गोष्ट कोणालाही सांगू नये असा दबाव आणला होता। त्यामुळं पीडित मुलीने ही घटना कोणाला सांगितली नव्हती। त्यानंतर अशीच घटना पुन्हा 18 मे 2022 रोजी घडली। त्यावेळेस फिर्यादीला शंका आली होती की तिचे वडील आरोपी हे तिच्या मुलीसोबत काहीतरी करत आहेत। त्यावर तिने विचारपूस केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली, सांगितलं नाही। परंतु मुलीला विश्वासात घेऊन त्यांनी विचारलं असता पीडित मुलीने तिच्या आईला यापूर्वी घडलेली घटना तसेच 18/5/2022 रोजी घडलेली घटना याबद्दल माहिती दिली। दूसरी घटना जरीपटका थाना अंतर्गत हुई। पीड़ित 12 वर्षीय बालिका है। आरोपी मनीष सुरेश लिबांडे है। 24 अप्रैल 2022 को उसने भी बालिका से दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी बालिका को दी थी। डरी सहमी बालिका ने साहस कर परिजनों को इस बारे में बताया। जरीपटका पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी मनीष को गिरफ्तार किया है। सोमवार को उसे भी अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीतील 12 वर्षे वयाच्या पीडितेवर आरोपी नामे मनीष सुरेश लिंबाडे राहणार 12 खोली जरीपटका याने दिनांक 24/4/2022 रोजी 2 वेळा शारीरिक अत्याचार केला। याबाबतचा पीडितेच्या तक्रारीवरून जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल आहे। एकाच वस्तीत राहणारे आहेत। यातील आरोपी काही काम करत नाही। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।